गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ठीक हो सभी? ठीक से पढ़ाई कर रहे हो? अब तो बेटा आपके टेस्ट भी ऑफलाइन है और आपकी क्लासेस भी ऑफलाइन है, तो यू शुड बी मोर केयरफुल। अभी ऐसा नहीं चलेगा कि आप दो फोन लेके टेस्ट कर रहे हो, ठीक है बच्चों? ओके, तो लास्ट टाइम हमने कौन सा लेसन किया था, ध्यान है कुछ? वी हैव डन लेसन 14, दैट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस केमिकल इफेक्ट, ठीक है? इसके लिए मैंने कंडक्टर, इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ये वाटर, सी वाटर, टैप वाटर, इन सब का आपको एग्जांपल देके समझाया था। इसके अलावा मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाई इज इट डन, व्हाट इज बेनिफिशियल एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सब टॉपिक हम कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, दैट इज सम नेचुरल फिनोमिना। सबसे पहले तो ये सम नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल मीन्स विच अकर इन नेचर, जिसका कि हालांकि ह्यूमन एक्टिविटी हम इनको क्या करते हैं, हम इनसे बच सकते हैं, हम इनसे प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं, लेकिन हम इनको रोक नहीं सकते। फॉर एग्जांपल इट इज़ हैवी रेनिंग, क्या हम उसको स्टॉप कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे हमारी रेन स्टॉप हो जाए? या इट इज़ अ थंडर स्टॉर्म, हम इनको रोक नहीं सकते। हमें इनको जस्ट इनको मतलब एक तरह से कहते हैं कि फेस करना है, रोक नहीं सकते। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज नेचुरल फिनोमिना, ठीक है? अब आपने देखा होगा कि साइक्लोन आता है और इट कॉज डैमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, बहुत सारी ह्यूमन लाइफ्स, प्रॉपर्टी और एनिमल्स, इन सब का लॉस हो जाता है। अब वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस फिनोमिना टू सम एक्सटेंट, हम अपने आप को थोड़े उससे तो बचा सकते हैं, लेकिन जैसे अगर फ्लड आ जाए हम क्या कर सकते हैं? बस वो एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम प्रिवेंट वो प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। तो वी शैल डिस्कस अवर टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना, दैट इज लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। कभी देखिए बेटा लाइटनिंग, जब कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो बिजली चमकती है, दैट इज लाइटनिंग, हैव यू सीन? अच्छा अभी लाइटनिंग की हम वो करते हैं, कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिक पोल, बारिश नहीं है कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पोल में स्पार्किंग हो जाती है। देखा ना कि बिजली के जो खंभे हैं उनमें स्पार्किंग हो जाती है, और बहुत कॉमन है जब कई बार हवा चलती है या हमारी वायर सिलती हैं तो वायर एक दूसरे को टच कर जाती हैं और उनमें स्पार्किंग हो जाती है ना बच्चे। उसको तो चलो हम फिर भी रोक सकते हैं कि हमें इंसुलेटेड वायर बना दें या थोड़ी हवा चल रही हो तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वायर बना दें, लेकिन फिर भी कई बार आप स्पार्किंग देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि जब ये पोल्स हैं, पोल्स पे ये आपके वायर्स लगी होती हैं, कई बार ये लूज़ हो जाती है अपने सॉकेट से, और जब हवा चलती है तो एक दूसरे को टच करती हैं और उनमें स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तो ये जो आपका लाइटनिंग है, लाइटनिंग इज जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक स्पार्क, इट इज आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है इट इज ऑन ह्यूज स्केल। जैसे ये इलेक्ट्रिक पोल पे होता है तो स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, लेकिन जो हमारी लाइटनिंग होती है इट इज आल्सो स्पार्क, और ये क्या होता है ऑन अ ह्यूज स्केल। पहले टाइम में लोग क्या सोचते थे कि या तो गॉड, ये जो गॉड है उनका वो जो मैसेंजर है वो हमारे पास आ रहा है, या वो क्या कहते थे कि गॉड हमसे नाराज हो गया, तब ये लाइटनिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी आंधी चल रही है, थंडर है, तो मतलब पिछले टाइम में वो क्या कहते थे कि वो, क्योंकि उनको क्या पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्पार्क, व्हाट इज़ लाइटनिंग, कुछ नहीं पता था, दे देयर फॉर अफ्रेड ऑफ लाइट, वो लाइट से जलते थे, वो डरते थे और उनको लगता था कि भगवान हमसे नाराज हो गया है, इस वजह से लाइटनिंग भी है हम यहाँ पर अर्थ पे और बारिश वगैरह हो रही है। लेकिन अब नाउ इट वी नीड नॉट टू अफ्रेड लाइटनिंग, हमें पता है कि लाइटनिंग क्या होती है, क्यों होती है, क्या इसमें चार्जेस होते हैं, तो ये सब हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जब लाइटनिंग है तो कोशिश करो कि हम घर से बाहर ना जाएं, ठीक है?
तो क्या होता है, नाउ ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड दैट लाइटिंग इज कॉज बाय अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड. ये क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड, मतलब जो क्लाउड्स में ये आपके चार्ज इकट्ठा हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज, मतलब वो एक तरह से स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं, तब हमारी क्या होती है, लाइटनिंग. ठीक है, अब हमें इसके लिए हमें इससे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें जैसे ये प्रिकॉशंस वगैरह पूरा लेसन हमारा इसी पे है. तो अब स्पार्किंग के बारे में, ग्रीक जो है, मतलब ग्रीक, यू नो ग्रीक वाज ए कंट्री, और वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो स्पार्किंग के बारे में जानते थे. उन्होंने क्या किया, अंबर, अंबर इज अ काइंड ऑफ रेसिन, एक अंबर था, उसको उन्होंने फर आप समझते हो ना, एनिमल से जो हमें मिलता है, फर के साथ उन्होंने अच्छी तरह से इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ अंबर, इस तरह से उन्होंने उसको ये किया, रब किया. ठीक है, और रब करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जब वो रब विद फर, इट अफेक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज एयर, छोटे छोटे चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी चार्ज हो गई है. जब हम किसी को ऐसे रब करते हैं, कोई भी दो बॉडी, चाहे हम ये सिल्क है उससे, एबोनेट की जो रोड है उससे वो करें, मतलब हम दो बॉडी को जब रब करते हैं तो इट एक्वायर्ड चार्ज. और इसके बारे में सबसे पहले बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज अ अमेरिकन साइंटिस्ट था. उसने 1752 में हमें स्पार्किंग के बारे में बताया. उसने एक फेमस की, वो जो की मतलब काइट था, काइट से एक की को उसने ये मतलब होल्ड किया और एक एक्सपेरिमेंट किया. वो एक्सपेरिमेंट भी बेटा मैं आपको बताऊंगी, अभी तो जस्ट आपको लेसन के बारे में आइडिया दे रही हूँ. ठीक है, अच्छा आपने कभी देखा है कि आपके एकदम ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर में आप अगर मतलब विदाउट ऑयल, विदाउट ये वाटर, तक गीले भी नहीं है और उनमें ऑयलिंग भी नहीं है, तो आप कई बार क्या करते हो कि प्लास्टिक कॉम से उसको वो करते हो, प्लास्टिक कॉम से जब उसको कॉम करते हो तो क्या देखते हो, हल्की सी आपको स्पार्किंग नज़र आती है बेटा, हल्की सी स्पार्किंग बहुत स्मॉल स्केल पे. या कई बार जैसे सर्दी का मौसम है और बिल्कुल अंधेरा आपके रूम में, आपने अपना स्वेटर रिमूव किया, मतलब आपने अपना स्वेटर अपनी बॉडी से निकाल, मतलब पुट ऑफ किया, तब भी आप कई बार क्या देखते हो, बिल्कुल लाइट सी स्पार्किंग. और अगर नहीं देखी तो देखना, आजकल सर्दी का मौसम है, कई बार बिल्कुल अंधेरे में आप अपनी बॉडी से जब अपना स्वेटर उतारते हो तो आपको लाइट सी स्पार्किंग नज़र आती है. वो क्यों होती है, अगेन ड्यू टू चार्जिंग. ठीक है, तो अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि हमें चार्जेस के बारे में पता लगे. तो चार्ज, अब बॉडी गेट चार्ज बाय रबिंग, यानी कि जब हम रब करते हैं, जैसे हम प्लास्टिक फॉर्म में अभी मेरे होता है ना, प्लास्टिक फॉर्म को अगर हम ड्राई हेयर पे इस तरह से यूज करेंगे तो हमें हल्की सी स्पार्किंग नजर आएगी. वो क्यों होती है, क्योंकि एक तरह से चार्ज हो जाती है, रबिंग होती है, दोनों के बीच में वो चार्ज हो जाती है. इसी तरह आप कोई भी एक यूज बॉल पेन लो और उसका रिफिल लो, सभी आजकल यूज करते हैं ना बॉल पेन और रिफिल. ठीक है, और इसको किसी पोलोथीन के साथ अगेन इस तरह से रब करो, रिफिल को प्लास्टिक उसके साथ रब करो, तो आप क्या देखोगे कि इट विल अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर. जैसे मान लो ये आपका पेन है, ठीक है, ये एक तरह से चार्ज हो गया और इसके बाद इसके पास आप क्या लाओगे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े. ठीक है, तो ये छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े नहीं लाने और बहुत ज़्यादा नहीं लाने, थोड़े से आपको कागज के टुकड़े लाओगे तो इट विल अट्रैक्ट, ये उन कागज के छोटे छोटे पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. क्यों, क्योंकि जब हम पेन को पेपर से, पेन को पोलोथीन से रब करेंगे तो इट अक्वायर्ड चार्ज, वो चार्ज को एक्वायर करेगा, दैट इज व्हाई इट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, अब व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पोलोथीन इट एक्वायर स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. ये बेटा अंडरलाइन कर लो,
Similarly, when plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires small charge. तो मतलब इन्होंने एक small charge से उपयोग कर लिया. तो these objects are called as charged objects. क्योंकि जब हम इनको rub करते हैं, तो rub करने के बाद ये charge acquire कर लेते हैं. तो इनको हम क्या बोलते हैं? Charged object. ये बात समझ आई? और चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं तो ये फिर अपने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं. ये देखो आपके उसमें वो दी हुई है, ये 15.2 एक्टिविटी दो दी हुई है. उसमें आपकी एक टेबल दी है, रिफिल है. जैसे रिफिल को हम पोलोथीन या वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो इट विल अक्वायर चार्ज. ठीक है, चार्ज हो जाता है. बैलून, बैलून को भी जब पोलोथीन या वुलन क्लॉथ या ड्राई हेयर से रब करेंगे तो इट विल आल्सो एक्वायर चार्ज. इरेजर, इरेजर को वुल से करेंगे तो इसमें चार्ज बहुत कम होगा. स्टील स्पून और ये पोलोथीन, तो मतलब ये सब चीज़ें क्या है, चार्ज एक्वायर करती है. मैंने तो ये कई बार एक्सपेरिमेंट किया. जैसे टू बैलून्स होते हैं, टू बैलून्स को हम बिल्कुल जेंटली, बहुत तेज़ी से नहीं, जेंटली एक दूसरे से रब करेंगे और इसके बाद हम एक वॉल से चिपकाएंगे तो इट विल स्टिक. उसमें हमने कुछ भी स्टिकिंग मटेरियल यूज़ नहीं किया, ना तो कोई टेप यूज़ की है, ना फेविस्टिक, कुछ भी यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी उससे स्टिक हो जाता है. ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत आसान है, करके देखना बेटा. तो आप देखोगे कि जो बैलून है वो स्टिक हो जाएगा. नाउ वी विल डू सम एक्सपेरिमेंट विद बैलून. अब देखो ये एक्टिविटी 15.3, इन्फ्लेट टू बैलून्स, यानी कि हमने दो बैलून्स लिए. हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डोंट नॉट टच ईच अदर. हमने उनको इस ढंग से लटकाया कि एक दूसरे को टच ना करें. अब रब बोथ द बैलून विद वुलन क्लॉथ. हमने उनको किससे रगड़ना है? वुलन क्लॉथ से. एंड रिलीज देम. हमने ऐसे उनको वुलन क्लॉथ से रगड़ा और इसके बाद उनको रिलीज किया. ठीक है, अब इसी तरह की एक्टिविटी हम यूज पेन रिफिल से यूज़ करेंगे. क्या कि जो आपका रिफिल है, हाँ, वी विल रब दैट रिफिल विद पोलोथीन. पोलोथीन से रगड़ेंगे और इसके बाद प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड. ठीक है, ये पहले एक्सपेरिमेंट में तो हमने वुलन को रगड़ा था ड्राई क्लॉथ से, बैलून को. दूसरे में हमने ये जो आपका रिफिल है उसको पोलोथीन से रब किया. ठीक है, अब रब अदर रिफिल आल्सो विद पोलोथीन. ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल. बी केयरफुल नॉट टच, मतलब एक तरह से चार्ज एंड है उसको अपने हैंड से मत छुओ, थोड़ी सी स्पार्किंग हो सकती है. इज देयर एनी इफेक्ट इन द रिफिल इन द टम्बलर? डू दे अट्रैक्ट या रिपेल? अब उन्होंने पूछा क्या वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे. अगर उनके, मैंने कहा ना कि एक्वायर कर लेते हैं, चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, या तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव. अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो वो हम देख लेंगे कि हमने किससे उसको रब किया था. अगर उनमें सेम चार्ज है तो दे विल रिपेल. ठीक है, अब इन दिस एक्टिविटी वी हैव बाउट क्लोजर टू द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट वर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल. व्हाट्स हैपन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल? नेचुरल है, डिफरेंट मटीरियल से बने होंगे तो उनका चार्ज वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है. वो डिपेंड करता है कि क्या मटीरियल हमने यूज किया. ठीक है, रबर रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज ए बिफोर. ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज. अब देखो ये हमने एक्सपेरिमेंट बार बार किया है. अब हमने इसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन हमारी हुई, ये ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हुई? चार्ज बैलून रिपेल चार्ज बैलून. क्यों? क्योंकि हमने दोनों को किससे रगड़ा, मतलब दोनों को हमने सेम मटेरियल से रगड़ा था, दोनों को हमने वुलन क्लॉथ से रगड़ा था. तो इस वजह से चार्ज बैलून दोनों पे पॉजिटिव या दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से वो दूर भागेंगे. चार्ज रिफिल रिपेल्ड या चार्ज रिफिल. अगेन हमने दोनों रिफिल को किससे किया था? पोलोथीन से. तो पोलोथीन भी सेम है, रिफिल भी सेम है, तो उस पर दोनों पे सेम चार्ज आ गया, इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. बट ए चार्ज बैलून अट्रैक्टेड चार्ज रिफिल. अब देखो रिफिल भी हमारा अलग है, बैलून भी अलग है. उसको हमने वुलन क्लॉथ से स्ट्राइक किया था और इसको हमने पोलोथीन से. तो दोनों पे मे बी कि नेगेटिव चार्ज ही होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अब डज इट इंडिकेट दैट चार्ज ऑन द बैलून इज डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल?
कैन वी से दैट दे आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पता हमारे इसका मतलब दो चार्जेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब बेटा ये अंडरलाइन करो बोल्ड लाइन, इट इज कन्वेंशन टू कॉल चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड एंड व्हेन इट इज रिव्ड विद सिल्क एज अ पॉजिटिव। अगर हम एक उसको रोड को, ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से रब करेंगे तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए चार्ज, ये भी अंडरलाइन करो, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए चार्ज ग्लास रोड इज ब्राउट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो रब्ड विद पोलोथीन देर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। अगेन उनमें चार्जेस कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक वुड द काइंड ऑफ चार्ज ऑन ए प्लास्टिक स्ट्रॉ, यूर गेस दैट द पॉजिटिव स्ट्रॉ ऑल वुड कैरी ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो कैसे होगा, उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जनरेट कर सकते हैं बाय रबिंग, ठीक है। रबिंग जब हम एक दूसरे को उनसे रब करेंगे, एक दूसरे से इस तरह से रगड़ेंगे तो हम उनको इलेक्ट्रिक चार्ज हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो अपने आप नहीं हिलते, ये नहीं कि अपने आप से वो हिलेंगे। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो आपने पढ़ा ही है कि एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन है उनका फ्लो होता है तभी हमारे वो होते हैं, द करेंट इन द सर्किट विच मेक अ बल्ब ग्लो, ये सब आप पढ़ चुके हो बेटा, कुछ नहीं है ये आपके। जैसे बल्ब ग्लो करता है, क्यों ग्लो करता है, जब हम उसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। और करंट फ्लो करने के बाद क्या होता है, जस्ट मोशन ऑफ चार्जेस, चार्ज जो है वो मूव करते हैं। ये बैलून का एक्सपेरिमेंट देखा है बेटा मैंने, ये बैलून है, जब हम इनको रख देंगे अलग से चार्ज लेंगे और पेन और क्लोथिंग को रख देंगे तो इसमें अलग तरह का चार्ज होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइम वी विल डू ट्रांसफर ऑफ चार्ज, हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज करेंगे, इसके बाद हम करेंगे स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। और बेटा यहाँ तक आपको पढ़ना जरूर है क्योंकि इसके बाद मैंने आपको अर्थक्वेक भी करवाना है, तो यहाँ तक पढ़ोगे तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर।